अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो में हाजिर हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़। ये हमारे पास है चैप्टर टू। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं उनमें कुछ ऐसे मेजर इश्यूज़ हैं जिनको यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है आप सबके लिए। तो वो कौन कौन से इशू हैं? नंबर वन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉवर्टी। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास इसका जो सब टॉपिक है वो क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम इस टॉपिक की डिटेल को देखें तो वो क्या है कि द मेन कॉज ऑफ सच लार्ज पॉपुलेशन ग्रोथ आर, नंबर वन, ह्यूमन डेवलप द एबिलिटी टू एक्सपेंड इनटू डाइवर्स न्यू हैबिटेट एंड क्लाइमेट जोन, नंबर टू, मॉडर्न एग्रीकल्चर हेल्प्ड टू फीड मोर पीपल, नंबर थ्री, मॉडर्न सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज डिक्रीज डेथ रेट। ठीक है, तो इधर हमारे पास एक यूएन की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने हमें जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो है वो क्या रिपोर्ट दी थी, हम देखते हैं चलें वीडियो में। तो हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट 82 मिलियन पीपल वर एडेड इन पॉपुलेशन। लाइक हम कह सकते हैं कि 82 मिलियन जो है जो लोग हैं वो ऐड हो गए थे, जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई थी। कब इंक्रीज हुई थी? 2008 में, विद एन एवरेज ऑफ 22,25,000 बर्थ पर डे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, यूएन की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था, द ग्रोथ रेट इन डेवलप्ड कंट्रीज इज अराउंड 0.1% पर ईयर होल, इन डेवलप्ड कंट्रीज इट्स 1.5% पर ईयर। ओके, देन नेक्स्ट इज नंबर टू प्रॉब्लम इज कैरिंग कैपेसिटी। Condition of environment that limit the growth of species and abiotic factors that prevent the continuous growth of population. Carrying capacity is defined as number of individuals of a species that an ecosystem can support, or maximum population of a given species that can survive indefinitely in a given environment. सो ये बात जो है वो कहाँ पे लिखी गई थी, जो कि यहाँ पे कोट किया मैंने, वो थी ब्रिटिश स्कॉलर थॉमस जो थे, उन्होंने इस बात को यहाँ पे कोट किया था, इस वजह से उनका कंटेंट मैंने लिया, तो यहाँ पे मैंने उनका साथ रेफरेंस मेंशन किया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब हम देखते हैं क्या होता है ये और ये किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंटल जो है वो उसमें डील करता है, तो देखते हैं हम। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वॉज गिवन बाय विलियम एंड माइथिस। ठीक है, तो ये जो दोनों बंदे थे इन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले इसका जो है कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की? द इम्पैक्ट ऑफ अ पर्सन और कम्युनिटी ऑन द इन्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू सस्टेन देयर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। Next example is WWF stated in 2003 in its report that Earth footprint exceed by its biological capacity by 30%. Global footprint network estimated that by 2050 humans will be using twice as much resource as they are using it today. UAE has the world largest per capita ecological footprint followed by the USA. The next problem is global food security. Every person in the world and in a given area has daily access to enough nutritious food to have an active and healthy life. ऑब्स्टेकल टू फूड सिक्योरिटी। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी जो है उसमें जो है वो रुकावट आती है, वो कौन कौन से हैं? नंबर वन, पॉलिटिकल चेंजेस, नंबर टू, करप्शन, नंबर थ्री, वॉर, एंड नंबर फोर इज लैंड डिग्रेडेशन, एंड नंबर फाइव इज डिजर्टिफिकेशन। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू FAO रिपोर्ट The number of people facing undernutrition and malnutrition fell from 918 million in 1970 to 862 million in 2006. But this can again rise up to 1.2 billion by the end of year 2015. Methods to improve food security. अब ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके जरिए जो है
हम जो फूड सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉलोइंग मेथड्स हैं कौन कौन से, नंबर वन कंट्रोल फूड प्राइस, नंबर टू रिड्यूस पॉवर्टी, नंबर थ्री इंकरेज ब्रेस्ट फीडिंग, नंबर फोर फैमिली प्लानिंग एंड नंबर फाइव एजुकेटिंग वुमेन। द नेक्स्ट वन इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इट इज़ मैंडेटरी फॉर SD एंड प्रिवेंट फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी। द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर एस ए फॉर लाइक दीज आर द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फूड सिक्योरिटी दैट आर कंजर्विंग फर्टाइल सॉइल एंड नंबर टू फ्रेश वाटर कंजर्वेशन। मेथड्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अब हम देखते हैं ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम जो अपने हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर है उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। उनमें कौन कौन से हैं, नंबर वन है रिड्यूस सॉइल एरोजन, नंबर टू रिड्यूस सॉइल इनफर्टिलिटी एंड रिस्टोर इट, नंबर फोर नंबर थ्री रिड्यूस सॉइल सेलिनाइजेशन एंड डिजर्टिफिकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज़ शिफ्टिंग टू मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज़ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या होता है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द रिकवरी ऑफ एन इको सिस्टम दैट हैज़ बिन डिग्रेडेड डैमेज और डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्स, हम देखते हैं कौन कौन से गोल्स हैं। नंबर वन है प्री इंडस्ट्रियल, नंबर टू प्री सेटलमेंट, नंबर थ्री प्री एग्रीकल्चर, नंबर फोर मैक्सिमम प्रोडक्शन, नंबर फाइव मैक्सिमम डाइवर्सिटी एंड नंबर सिक्स मैक्सिमम बायोमास। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्लोबल वैरायटी ऑफ स्पीशी एंड इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ विच दे आर पार्ट। क्लासिफिकेशन आर देयर थ्री क्लासिफिकेशन, नंबर वन जेनेटिक स्पीशी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मेजर थ्रेट्स हैबिटेट लॉस, ओवर हंटिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज।